हेलो एवरीवन, आज मैं आपको सेल्फ बालों में हेयर स्ट्रेट करके दिखाऊंगी। तो अभी मैं दिखाना चाहती हूँ कि मेरे बाल किस टाइप के हैं। बहुत दिन से मैं सोच रही थी हेयर स्ट्रेट की वीडियो बनाने की। तो हेयर स्ट्रेट आपको प्रोफेशनली लुक दिखाता है। मैंने वॉश किया था रफली भी हो गए हैं। कट करवाना क्या, खुद कर लेती हूँ। और अभी मैं इन बालों को हेयर स्ट्रेट करके दिखाऊंगी। कई लोगों को, मैक्सिमम लोगों को हेयर स्ट्रेट बाल पसंद है और कुछ लोग परमानेंटली करवा लेते हैं, जो कि मुझे पसंद नहीं। मान लो आपको कर्ली करना है, कर्ल्स करवाने हैं, तो फिर आपको फिर परमानेंट अगर आपने कराए हैं, इतना चार्ज दे के कराया है, अच्छा लगता है, नो डाउट। आपके पास पैसा है, आप कराइए। लेकिन मैंने अभी तक एक बार है यूज़ करने के लिए, ऐसा ट्राई करने के लिए मैंने किया था, लेकिन केमिकल नहीं यूज़ करती मैं अपने बालों में, नेचुरली है। शैम्पू तो यूज़ करना मस्ट है, केमिकल किस में नहीं होता है, साबुन में होता है, शैम्पू में होता है, सब में तो केमिकल होता है, मेहंदी में होता है, आप मेहंदी लगाओ, डाई लगाओ, सब में तो केमिकल होता है। तो मैं अपने बालों में केमिकल नहीं लगाती हूँ, ये मेरे नेचुरल बाल हैं। हाँ, मेहंदी का यूज़ करती हूँ, नो डाउट, उसमें भी केमिकल होता है। कहाँ तक केमिकल से आप बचोगे? तो उसके लिए भी मेरे पास ट्रीटमेंट है, उसके लिए भी मैं नॉलेज गेन कर रही हूँ और आप लोगों को बताती रहूँगी बहुत सी चीज़ें। मैं आइकॉनिक का हेयर स्ट्रेटनर यूज़ करती हूँ। ये मेरे पास बहुत टाइम से है, ये एज अ प्रोफेशनल स्ट्रेटनर है और इसी से ही मैं सारे कस्टमर के हेयर स्ट्रेट करती हूँ और हेयर कर्ल्स करती हूँ। इससे कर्ल्स भी हो जाता है और स्ट्रेट, मतलब आप एक स्ट्रेटनर से अपने बाल स्ट्रेट भी कर सकते हो और उसको अपना शेप दे सकते हो, कर्ल्स भी कर सकते हो। तो इसके लिए आपके पास अच्छा और प्रोफेशनल हेयर स्ट्रेटनर होना चाहिए, जो कि थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है, लेकिन आप एक बार स्ट्रेटनर ले लोगे ना, तो फिर बार बार आपको लेना नहीं पड़ेगा। मेरे पास ये बहुत टाइम से है, अभी तक एज इट इज़ ऐसा है मेरे पास, और अभी तक ये ना ख़राब हुआ है ना इसको बनवाना पड़ा है। और मेरे पास कोई चीज़ ख़राब हो जाती है ना, मैं इसको हटा देती हूँ, नई चीज़ लेती हूँ। थोड़ा कॉस्टली हो लेकिन काम की चीज़ हो, क्योंकि ना वो वाला जैसे नहीं आप 3-2-1 वाला ले लेते हो, कर्ल्स भी होता है, स्ट्रेट भी होता है और पता नहीं क्या क्या होता है, और आइकॉनिक का होता है। मेरे पास तो वेगा के ये सब है, ड्रायर हैं, और अच्छी अच्छी कंपनी पे हमें जाना चाहिए। थोड़ा सा एक बार में आप इन्वेस्ट करोगे, आपको लंबे टाइम तक, ये मेरा कम से कम तीन चार साल हो रहा है, लेकिन ये है कि अच्छा स्ट्रेटनर है, बेस्ट है। सारे कस्टमर का काम मैं इसी से डन करती हूँ और अच्छा खासा पैसा कमाती हूँ। तो आपको चॉइस करना है कि आपको एक कस्टमर का कितना पैसा चार्ज करना है, तो उस हिसाब से, क्योंकि सबका पार्लर का रेट अलग होता है, एरिया के हिसाब से रेट अलग अलग होता है। सो स्टार्ट करके दिखाती हूँ, ये प्लग है, प्लग लगा के देखो। इसको ऑन करने के बाद देखिए यहाँ पे लाइट जल जाएगी, रेड कलर की लाइट, इस जगह दिख रहा ये, और यहाँ पे आपको देखिए ऑन ऑफ का बटन होगा, इस जगह पीछे ये जो दिख रहा है ना, ये ऑन ऑफ का बटन होगा। तो यहाँ से हम इसको ऑन करना है, ये इधर से ऑन करना है, ये जो बटन है ना ऑन ऑफ का, इसको ऐसे प्रेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ग्रीन लाइट जलेगी। देखिए मैंने जिस पे रखा हुआ है ना, और इसको आप थोड़ा स्पीड बढ़ा भी सकते हो, जैसे ये 190 पे है, इधर देखिए यहाँ पे सारे नंबर्स लिखे हुए हैं, तो 190 पे भी आपका स्ट्रेट हो जाएगा। और अच्छे से अगर आपको चाहिए तो 210 पे कर सकते हैं, तो 210 पे मैं करती हूँ और 190 पे भी करती हूँ। तो जिस पे भी आपको चाहिए इस पे भी स्ट्रेट हो जाता है अच्छे से, और तुरंत आपको स्ट्रेट करना है जल्दी के, एक बार लगाए, एक बार में फास्ट स्ट्रेट करना है, तो मैं 210 पे चली जाती हूँ। तो एज अ विश आपको 190 पे जाना है या कम पे नहीं आता है, तो आप कम नंबरिंग पे आप अपने हेयर स्ट्रेट करो, लेकिन जिसको आता है अच्छे से स्ट्रेटनर का यूज़ कर सकते हैं। और इसमें इस टाइप की प्लेट्स आपको मिल जाएगी, और बहुत अच्छी प्लेट है। तो अभी ऑन है, अभी मैं इसको ऑफ कर देती हूँ।
ठीक है, मैंने इसको ये यहाँ पे ऑन ऑफ के बटन पे ऑफ कर दिया। इसको ऐसी जगह रखना है किसी कपड़े के ऊपर, कोई कपड़ा नीचे बिछा लो तब इसको आप ऐसे रखो, या ऐसी ऐसे गर्म चीज़ को कहीं किसी के ऊपर मत रख दो कि जल जाए, क्योंकि वो चीज़ गर्म होता है ना, इस वजह से। तो मैं कुछ नीचे या टॉवल टाइप का कुछ नीचे बिछा लिया, तब उसके बाद मैं स्टार्ट करती हूँ। इसके लिए आपको ये कॉम चाहिए, देखिए इस टाइप की कॉम, आप ये ले सकते हो, ये ले सकते हो, जो भी आपके पास हो ये हो वो आप ले सकते हो। फर्स्टली मैं क्या करूँगी, देखिए आपने मेरे बाल फ्रिजी हैं, इस टाइप के हैं, और मुझे अभी स्ट्रेट करने की ज़रूरत है। स्ट्रेट करने से क्या होता है, आपके बालों में शाइनिंग आ जाती है। अगर आपके पास सीरम है तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं, अगर आपके पास हो तब आप इसको यूज़ कर सकते हैं, अगर नहीं है बेटर। इसको मैं वन, क्योंकि मैंने कल लगाया था, मैं रेगुलर लगाती हूँ, मतलब हेयर कॉम करने से पहले मैं लगा लेती है तो ठीक है, नहीं तो एज यू विश। इससे शाइन अच्छा आता है, जब आप स्ट्रेट करोगे आपके बालों में शाइन आएगा। पतली कमरिया तेरी हाय हाय हाय, तिरछी नजरिया तेरी हाय हाय, पतली कमरिया तेरी हाय हाय। ये गाना ट्रेंडिंग पे रील्स, सब लोग बहुत अच्छा बनाते हैं इस पे। इसको जड़ों में नहीं लगाना होता है सीरम को, सीरम को हमें लेंथ में लगाना होता है इस तरीके से। जड़ों में तो आप ऑयल लगा सकते हैं, मैं ऑयल कौन सा यूज़ कर रही हूँ ये भी मैं बता दूँगी आपको। स्ट्रिक्स प्रोफेशनल हेयर सीरम अच्छा होता है, इसका येलो एक पार्ट आता है वो भी अच्छा होता है, तो ये वाला सीरम मैं यूज़ करती हूँ, लिंक मैं नीचे दे दूँगी। एंड नेक्स्ट मैं पैराशूट का कोकोनट ऑयल यूज़ करती हूँ। हेयर पे वैसे मैं ऑयल यूज़ नहीं करती हूँ, सब लोग कहते लगाना चाहिए, बचपन से मैं नहीं लगाती, इसलिए मैंने बड़ा ड्राई टाइप के तेल वेल लगाना चम्पू टाइप का लगता है, पहले लगाते थे अब नहीं लगाते, इसलिए ड्राई सूखे सूखे रहते, तो लगाना चाहिए हफ्ते में, और नहाने से पहले ऑयलिंग कर लो और आधे एक घंटे के लिए रख लो, या रात में लगा के ऑयल लगा के सुबह मॉर्निंग में वॉश कर लो। इससे आपके बाल ना हेल्दी स्मूथ हो जाते हैं, तो ये हमें यूज़ करना चाहिए, ऑयल का यूज़ करना चाहिए। और अब मैं अपने बाल स्ट्रेट करके दिखाती हूँ। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, बालों का पार्टीशन करना है, इस तरीके से आपने पार्टीशन किया। पतली कमरिया तेरी हाय हाय है, तिरछी नजरिया तेरी हाय हाय। पार्टीशन करने के बाद हमें ईयर टू ईयर पार्टीशन करना है, कैसे भी आप कर सकते हो, डायरेक्ट भी आप कर सकते हो, ईयर टू ईयर पार्टीशन लेके भी कर सकते हो। ऐसे भी इसको करके छोड़ सकते हैं, कुछ भी लगा लो। देन दो पार्ट में हमें डिवाइड करना है, पतली कमरिया तोरी। अब मैं इस पार्ट को स्ट्रेट करूँगी, हीट होता है थोड़ा सा, बच के रहना भैया, जिनको नहीं आता वो आराम से यूज़ करे स्ट्रेटनर, नहीं तो जल बल जाओगे भैया। ठंडी के लिए ठीक रहता है। ईयर से हमें बचा के रखना है, अभी मैं इसके बारे में कहानी बताऊंगी आपको। नीचे हमें, नीचे ना ज़्यादा वो रहता है, तो हमें नीचे अच्छे से स्ट्रेट करना है। ये देखिए बालों में कितनी शाइनिंग आ जाती है। नेक्स्ट जो ये वाले बाल है ना, इनको भी हमें लेना है। इन बालों को पीछे करेंगे और ये बाल आगे लेके आए। जल्दी में है तो आप ज़्यादा बाल लेके कर सकते हैं, नहीं तो आप स्ट्रेट ना है आराम से ही करें।
ठीक रहता, मुझे तो केमिकल नहीं पहुँच पाता, झाड़ू जैसे बाल हो जाते। अब मैं सारे बाल आपको दिखाऊंगी बार बार ना, एक साइड का मैं कर लूँगी पूरा, उसके बाद में जितना है आप स्टेप में चलाओगे ना उतने ही आपके अच्छे बाल हो जाएंगे। नेक्स्ट हमें इन बालों को लेना है, इसको भी टू पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं, ऐसे भी हाथ से भी कर सकते हैं, कॉम से भी कर सकते हैं, हम लोगों की आदत हो गई कॉम से ना, हम लोग कॉम से ही करते हैं। बालों का हमें ना होल्ड करना है कॉम के हेल्प से, ताकि ना बाल फेस पे ना आए। कितना अच्छा लग रहा है, ठंडी में गर्म गर्म कितना प्यारा लगता है। हाँ हाँ, सोया आग तापने की जरूरत ही नहीं। मेरे कस्टमर ठंडियों में बैठे रहते हैं, कहीं जाते ही नहीं, कहते हैं आपकी दुकान तो बहुत गर्म है। हमने कहा तुम भी आओ रजैया में बैठो, उनको भी रजैया में घुसेड़ लेते हैं, पंचायत करते हैं, उनका काम किया पैसे लेते हैं बस। अब मैं लूँगी नेक्स्ट बाल को, इन बालों को, इसको आप इस तरीके से भी कर सकते हैं ताकि आपको परेशान ना करें, इसे ना देखने में लगता तो प्रोफेशनल। हर गर्ल्स के पास स्ट्रेटनर होना चाहिए। यहाँ से हमारे बाल कम स्ट्रेट होते हैं ना, तो यहाँ अच्छे से स्ट्रेट करना। से ये बाल रहेगा, जो बाल रह गया ना अच्छे से स्ट्रेट करो, मोस्टली ना यहाँ पे बाल रह जाते हैं। इसकी कहानी बहुत अच्छी है, मैं बताऊंगी मेरे पार्लर की कहानी। कहानी ना बहुत है मेरे पास, यहाँ थोड़ा होल्ड किया हल्का, देन अब इसको ओपन किया, आप लगोगे बारबी डॉल। सारे बालों को आगे किया, अभी मैं आपको हेयर कटिंग करके दिखाऊंगी। पीछे जो बच्चा है हर जगह अच्छे से, मतलब जहाँ जहाँ बच्चा है वहाँ वहाँ आप अच्छे से करो, कहीं बाल रह ना जाए। आगे तो आपका अच्छा हो जाता है, ये मेरे एक साइड के बाल हैं, ये वाला मैं अभी करके दिखाती हूँ। आप सारे बालों को भी ले सकते हो, जल्दी जल्दी करना, दो पार्ट में भी जल्दी हो जाता है। अरे यार कहाँ फंसे, बस फटाफट फटाफट ना स्ट्रेट में चलाना है, फटाफट हो जाता है। अच्छा स्ट्रेटनर होने से यही फायदा होता है, तुरंत चलाया स्ट्रेट हो गए आपके बाल, ना कहीं आपको पार्लर जाने की जरूरत ना कर। एक बार खर्चा कर, दैट्स इट, आपके बाल भी सही रहेंगे भैया। हम तो यही कह रहे हैं ज़्यादा अपने बालों पे केमिकल ना यूज़ किया करें, पार्लर वाले हो तब भी, पार्लर वाले मेरे ऊपर मारेंगे हमको, ओ भैया यूज़ किया करो, नहीं तो पार्लर वाले ने मेरी जान ले ली, कहीं मेरा धंधा बैठा है, बता रहे हैं तुमको, मेरी ना सुनो भैया। बस हम ये कह रहे हैं कि केमिकल मैं अपने बालों पे
यूज नहीं करती हूँ, तो आपको यूज करना है नहीं करना है आपकी मदद। हाँ भैया क्या हमें तो जो सही लगता है वो मैं पब्लिक को बताती हूँ। हम न झूठ बोलते हैं ना हम करते हैं धोखाधड़ी किसी के साथ। इसको डायरेक्ट मैं लेके स्टेट करती हूँ पूरा। धुआं निकल रहा है, धुआं यहाँ पे धीरे धीरे चलाएंगे। शाइनर बालों में स्टिक नहीं यूज होते ना, बालों में शाइन आ जाती है ना, पीछे बाल रह जाते हैं, आगे तो इंसान कर लेता है, पीछे में थोड़े दिखता है। आई लव ब्लैक कलर। कौन से कलर नहीं पसंद ये बता दो। आई लव ब्लैक कलर। तो हमने कब का कितना प्यार रंग रहा, गरम 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 गरम, कैसा लग रहा हूँ मैं गरम से ही ना। मैंने अपने बाल स्ट्रेट कर लिए, आपको कैसे लग रहे हैं? ज्यादा स्ट्रेट नहीं चलाया, हल्का हल्का, और आप सिरम लगा सकते हो शाइनिंग के लिए। मैंने वन ड्रॉप लिया था, वो तो शाइनिंग के लिए लगा सकते हैं ना, हो तो कोई दिक्कत नहीं, किसी ने रोका है क्या? अब ये एडिट करने के बाद आपको लेयर में जो कट होता है ना वो दिखाऊंगी। एडिट कर ये देखिए लेयर आएगा, बहुत अच्छा लगेगा। तो आपको मेरे बाल कैसे लग रहे हैं लेयर कट दिखाऊंगा, ऐसे स्टाइल मारो। इस तरफ भी कर सकते हैं, ये है ही ऐसा, ये टॉप ऐसा ही है, ये वन साइड भी कर सकते। तो मैं वो कहानी बताना चाहती थी हेयर स्ट्रेटनर की, कि मेरे शॉप पे एक कस्टमर आती है और वो मतलब एज अ फ्रेंड ही है समझो, तो मतलब वो कहते हैं रोज आती फ्रेंड है, तो उसको मैं रोज स्ट्रेटनर एक बार तो स्ट्रेट करवाई, फिर उसके बाद रेगुलर वो आने लगी हर दूसरे दिन स्ट्रेट कराने के लिए, तो फिर मैं कर देती थी, तो मैं उसे स्ट्रेट तो मैं कर देती थी, स्ट्रेट करने से पहले मैं बोलती थी यार रेगुलर मत करवाओ, रेगुलर मत करवाओ, या 15 दिन पे या हफ्ते हफ्ते में आ जाओ, हफ्ते हफ्ते में मैं रेगुलर कर दूँगी, लेकिन रेगुलर जो है हर दूसरे दिन करना स्ट्रेटनर वो सही नहीं रहता है। तो तब भी वो नहीं मानती थी मेरी बात, और हर दूसरे दिन जो है उसको अच्छा लगता था स्ट्रेट जब मैं कर देती थी, तो उसके बाल बाल बहुत अच्छे लगते थे, और वो स्ट्रेट करके अच्छे बाल थे, काफ़ी घने और अच्छे बाल थे। उसके बाद फिर वो करवाती गई कहते हैं कि खूबसूरत बालों पे लोगों की नज़र लग जाती है, तो शायद नज़र भी कोई ऐसी चीज़ होती है मुझे पता नहीं है, क्योंकि स्ट्रेट जब उसके बाल रहते थे बहुत प्यारे लगते थे, मुझे भी बहुत अच्छा लगता था, लेकिन उसको भी बहुत अच्छा लगता था, मुझे भी उसके अच्छे बाल थे, हेल्दी बाल थे। फिर स्ट्रेट करने से क्या हो गया, धीरे धीरे या तो लोगों की नज़र लगी होगी, नज़र क्या चीज़ होती है मुझे नहीं पता है इसके बारे में, लेकिन ये कि धीरे धीरे और उसके थोड़े थोड़े बाल जो है झड़ने लगे,
तो बताने लगी हमको, तो हमने कहा हम तुमको पहले ही मना किए थे कि स्ट्रेट मत करवाओ हर टाइम पे, और लोग जैसे रिबॉर्निंग करा लेते हैं, शॉप में रिबॉर्निंग करा लेते हैं, तो उससे भी ये क्या होता है, बाल झड़ने लगते हैं। कई कस्टमर हमको ये बात बताए कि जो है हमने किसी पार्लर से रिबॉर्निंग मतलब स्ट्रेटनिंग, परमानेंट स्ट्रेटनिंग, जो कि साल भर एक टाइम होता है कि टाइम पीरियड तक चलता है, तो वो साल भर या दो साल तीन साल जो भी हो तो उस टाइम तक चलता है, तो उससे क्या होता है, वो केमिकल जो आपके बालों में लगता है उस केमिकल से जो है आपके बाल झड़ने लगते हैं या ड्राई हो जाते हैं, फ्रिजी हो जाते हैं। तो उस ड्राइनेस को कम करने के लिए हेयर स्पा या केराटिन ट्रीटमेंट लोग करवाते हैं, जिससे बाल स्मूथ एंड शाइनी हेल्दी रहे। तो इस वजह से भी जो है हमें स्ट्रेटनिंग नहीं करवानी चाहिए, या मुझे नहीं पसंद है, आप लोग कराइए, मुझे नहीं पसंद ये बात। मतलब मैंने जो चीज़ देखा ना वो मैं बता रही हूँ, मैंने जो लाइफ में एक्सपीरियंस किया, कस्टमर जो लोग मुझे बताते हैं, तो वो मैं चीज़ आपको बता रही हूँ। और जो कलर किए जाते हैं बालों में, हेयर कलर होता है, अलग अलग कलर्स अप्लाई होते हैं, या ब्लीच लगाया जाता है बालों में, तो उससे भी वो भी केमिकल होता है, पूरा केमिकल बेस पे है, तो उससे भी बाल आपके डैमेज होते हैं, झड़ने लगते हैं कुछ टाइम बाद, या लोगों का स्टार्टिंग में ही झड़ने लगता है। तो सबका अलग अलग होता है कि किस टाइप की बाल है उसकी, तो फिर इन सबसे बचने के लिए हमें थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए केमिकल बेस्ड चीज़ों को। तो ऐसा ही है, आपके वो बाल हैं, आपको कैसे करना है, हेल्दी रखना है या कैसे क्या करना है, आजकल तो यही सब चल रहा है। ओके चलो ये काम करना चालू कर दो, इधर ला करना है, सोती हूँ ना सर लोग यहीं पे सो जाते हैं, दिन में नींद आती है तब। चलो बाय बाय, भूख लगी कुछ खा के, मैं तो कस्टम बहुत वीडियो बनाती है, ये लड़की बहुत वीडियो बनाती है, काली पनी में नॉर्वे जाता है। चल कुछ खा लूँ, भूख लग गई मेरे को, ये उतारो, चलो काम करो चुपचाप, ठीक है काम करके थोड़ी वीडियो बनाऊँगी, पूरा ये इनका काम हो जाएगा, उसके बाद एडिट करूँगी, उसके बाद कटिंग की वीडियो डालूंगी, या ब्रेड हेयर स्टाइल या हेयर स्टाइल कोई। बाय, आपको कैसी लगी मेरी वीडियो कमेंट डाउन बिलो, एंड लिंक मैं नीचे दे दूंगी।